ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। वेल गाइस, आज के वीडियो में आपको ओनली रीसेलिंग प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेगा। रीसेलिंग, अगर आपके चैनल पे न्यू है या अगर आपको नहीं पता है, तो जैसे कि मैं प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करती हूँ, तो मेरे पास आफ्टर रिव्यू बहुत सारा प्रोडक्ट्स रह जाता है, तो उन प्रोडक्ट्स को मैं कभी कभी अफोर्डेबल प्राइस में रीसेलिंग कर लेती हूँ। अगर आप एथनिक वार के लिए या पार्टी वार के लिए कुछ अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता सरारा शर्ट्स या कुछ कुर्ता शर्ट या कुछ ड्रेस या कुछ गाउन्स ढूंढ रही हो, अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के कुछ कुर्ता शर्ट ढूंढ रही हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इवन ये सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स मीशो से है एंड कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन से है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी वाइज फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स है, एक बार मैंने ट्राई पर ट्राई किया था रिव्यू के टाइम, दैट्स इट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ आज के ये वीडियो देख लीजिए। अगर आप इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हो, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी। वीडियो अपलोड होने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आज चल वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं मीशो स्पेशल ओनली रीसेलिंग हॉल वीडियो। मीशो से ये रही एक न्यू अराइवल कुर्ता शर्ट, एक्चुअली ये रही कुर्ती, उसके साथ में ये रही व्हाइट कलर का ट्राउजर पैंट। मुझे किसी ने इसका कोड सेंड किया था रिव्यू देखने के लिए। जैसे कि गाइस, आप ये कुर्ती देख सकते हो एंड कलर वाइज आपको ये पर्पल कलर में देखने को मिलेगा। नेक का जो डिज़ाइन है ना, ये आपको राउंड नेक में दी हुई है एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया है वो है मीडियम साइज़। फ्रॉन्ट में सारे आपको सिल्वर कलर में थ्रेड वर्क विथ सिक्वेंस का डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है। एकदम से गाइस, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मीशो पे अवेलेबल है। फैब्रिक काफ़ी थिक है, प्योर कॉटन फैब्रिक में है। वॉश करने के बाद ये वाला फैब्रिक और भी थिक हो जाएगा। डेफिनेटली गाइस परफेक्ट है एंड ये वाला वर्क काफ़ी डिटेलिंग से दी हुई है। एकदम से ब्रांडेड प्रोडक्ट है। स्लीव वाइज आपको ये लॉन्ग स्लीव में आ जाएगा एंड बोरोस पे ना ये सारे सिल्वर कलर में जरी विथ सिक्वेंस का डिटेलिंग भी दी हुई है। सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पर बो स्लीव पे दिखने को मिल रहा है एंड ये रही कुर्ती, जैसे कि यह कल लॉन्ग कुर्ती है। बहुत साइड पर आपको यहाँ पे साइड स्लिट दिखने को मिलेगा। एक्चुअली जो साइड स्लिट दी हुई है ना, बहुत साइड पर आपको यहाँ पे एक हाई स्लाइड स्लिट दिखने को मिल रहा है एंड बोरस पे आपको ये सेम वॉक दिखने को मिलेगा। सिल्वर कलर में सिक्वेंस या जरी का डिटेलिंग दी हुई है एंड आपको यहाँ पर डोरी दिखने को मिलेगा। गाइस, ये वाला पैंट काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लाइट वेट है। वेस्ट पे ना आपको यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है, सब इससे पता चल रहा है कि इसका क्वालिटी एकदम से गाइस फर्स्ट क्लास है। एंड लेंथ वाइज आपको ये आंख के लिए तो कहा जाएगा काफ़ी ग्लो भी कर रहा है। पर गाइस, मीशो से ना ये रही है कि मीशो ने और अराइवल ड्रेस या का गाउन एंड इस कार्य में शेयर कर रही हूँ, नॉट रीसेलिंग, बट आगे जाके इससे मैं रीसेलिंग करूँगी। जैसे कि कलर वाइज ना, ये आपको टेल कलर में देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो ये सेम कैटलॉग पर ना आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन या डिफरेंट साइज ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस, ये मीशो का न्यू अराइवल है एंड वेस्ट में टाई ऑफ करने के लिए ना गाइस आपको ये वाला बेल्ट देखने को मिल रहा है। वेल फैब्रिक वाइज जॉर्जेट में है एंड उसके ऊपर आपको ये सारे स्टोन वर्थ क्लास का डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है। परफेक्ट है, इसका वेयर भी है, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है एंड आपको यहाँ पे डोरी वगैरह पर प्रोवाइड की हुई है। एकदम से गाइस ये बेल्ट परफेक्ट है, डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छी दी हुई है एंड उसके साथ में ये रही गाउन। जो गाउन है आपको ये कुछ इस तरह के डिज़ाइन के साथ दिखने को मिल रहा है। नेक का जो डिज़ाइन है ये आपको वी नेक में आ जाएगा एंड फ्रॉन्ट भी ना इसमें सेम आपको ये वाला सारे क्लास वर्थ सिक्वेंस का डिटेलिंग प्रोवाइड की हुई है। फैब्रिक वाइज ना जॉर्जेट में आ जाएगा। इसका वेयर भी है, बिल्कुल चीप नहीं लग रहा है। अफोर्डेबल प्राइस में ये मीशो पे अवेलेबल है। ऊपर से लाइट वेट है, ब्लू कलर में सिल्क फैब्रिक में ये रही कुर्ता शर्ट। एक्चुअली ये अमेजोन से है, सो इसका क्वालिटी बेस्ट है। आई गेस ये मीशो पे भी अवेलेबल है, बट इसे मैंने अमेजोन से लिया था। जैसे कि ब्लू कलर में कुर्ती है एंड फैब्रिक वाइज फर्स्ट क्लास है गाइस, डेफिनेटली ब्रांडेड प्रोडक्ट है। एंड इसमें जो साइज ऑप्शन अवेलेबल है ना, वो है स्मॉल साइज, आई गेस 33 से लेकर 34 बूच तक ये वाला कुर्ती आ जाएगा। नेक वाइज राउंड नेक में है। फ्रंट में ना आपको ये सारे सिल्वर कलर में थ्रेड वर्क हुए, तो जरी का डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है गाइस, स्लीव वाइज लॉन्ग स्लीव में आ जाएगा। ऊपर से गोल्डन कलर में आपको यहाँ पे और पाइपिंग भी दिखने को मिल रहा है। लेंथ वाइज लॉन्ग कुर्ती है, बोथ साइड पर आपको यहाँ पे साइड स्लिट भी दिखने को मिल रहा है। फैब्रिक वाइज ना ये आपको रियॉन प्लस सिल्क प्रिंट में आ रहा है। सिल्क में है इसीलिए ग्लो कर रहा है, रियॉन में है इसीलिए सॉफ्ट है, बट क्वालिटी बेस्ट है एंड ये वाला वर्क सुपर्ब है। एंड इसके साथ में आपको ये दुपट्टा देखने को मिलेगा, सिर्फ फैब्रिक में दुपट्टा है। टोटल आपको ये रॉयल ब्लू कलर में दिखने को मिल रहा है। चारों एंड्स पे ना आपको ये गोल्डन कलर में जरी का डिटेलिंग भी दिखने को मिलेगा ये दुपट्टा में। एंड ये रही ट्राउजर पैंट, जैसे कि वेस्ट पर आपको यहाँ पर इलास्टिक मिल जाएगा, इलास्टिक का क्वालिटी अच्छा है एंड आपको यहाँ पे पॉकेट भी दिखने को मिल रहा है।
लेंथ वाइज आपको यहाँ के लिए तो कहा जाएगा नॉर्मली ईयर का ट्राउजर पैंट है, ऊपर से आपको यहाँ पे पॉकेट भी दिखने को मिल रहा है एंड ये वाला कुर्ती का क्वालिटी बेस्ट है। ब्लू एंड थ्रेडवर्क के साथ ये रही एक को पार्टी वाइया का एथनिक वार कुर्ता सेट, वाइन कलर में एम्ब्रॉयडरी वॉक का डिटेलिंग के साथ ये रही एक एथनिक वार कुर्ता सेट। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आई गेस ये मीशो पे भी है बट इसे मैंने अमेजन से लिया था क्योंकि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आपको मीशो पर इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। सो जैसे कि ये रही कुर्ती एंड इसमें जो साइज ऑप्शन अवेलेबल है ना वो है एग्जैक्टली स्मॉल साइज बट ये 34 बूज तक आ जाएगा। जैसे कि मुझे ये थोड़ा लूज आ रहा है, नेक वाइज आपको ये राउंड नेक में आ जाएगा। फ्रॉन्ट में ना गाइज आपको इस तरह व्हाइट कलर में एम्ब्रॉयडरी का कुछ इस तरह की डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है। सो टोटल जो कुर्ती है ना ये व्हाइट कलर में मिल रहा है, उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर में सारे थ्रेड वर्क दिखने को मिल रहा है, परफेक्ट है, खूबसूरत सी कुर्ती है। चारों एंड्स पे ना आपको ये सारे व्हाइट कलर में लेस का डिटेलिंग या एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा एंड कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, व्हाइट कलर एंड वाइट कलर स्लीव वाइज लॉन्ग स्लीव में आ जाएगा। एंड्स पे भी आपको ये वाला वर्क दिखने को मिल रहा है व्हाइट कलर में एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ। सो एक्चुअली ये वाला कुर्ती बेस्ट है एथनिक वार के लिए, परफेक्ट है, ऊपर से इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मैं रीसेलिंग कर रही हूँ। एंड फैब्रिक जैसे कि सिल्क में है एंड काफ़ी स्मूथ भी है, लाइट वेट सी प्रोडक्ट है। एंड इसके साथ में ना ये रही ट्राउजर पैंट जो कि वेस्ट पे ना गाइस आपको यहाँ पर इलास्टिक दिखने को मिलेगा, फैब्रिक वाइज ये आपको सिल्क में दिखने को मिल रहा है। नीचे ना आपको ये वाला सेम डिज़ाइन दिखने को मिलेगा जो कि व्हाइट कलर में सारे थ्रेड वर्क दी हुई है, बिल्कुल भी सेथ्रू नहीं है, फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है, दिखने में भी काफ़ी शाइन कर रहा है, ग्लो भी कर रहा है एंड परफेक्ट है। इसके साथ में ये रही दुपट्टा, दुपट्टा जो है ना ये आपको सेल्फ फैब्रिक में दिखने को मिलेगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर में सारे थ्रेडवर्क का डिटेलिंग दी हुई है फ्लावर के साथ कलर में कॉटन फैब्रिक में। ये रही कुर्ता सेट, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अमेजोन से बट इसे मैं अभी रीसेलिंग कर रही हूँ। जैसे कि ये रही दुपट्टा, ये रही ब्लैक कलर में कुर्ती एंड उसके साथ में आपको ये ट्राउजर पैंट दिखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस आप ये कुर्ती देख लीजिए, ब्लैक कलर में सिंपल सी कुर्ती है, फैब्रिक वाइज ना ये आपको 100% प्योर कॉटन फैब्रिक में दिखने को मिल रहा है, परफेक्ट है यार, क्वालिटी बेस्ट है, ऊपर से काफ़ी थिक भी है, वॉश करने के बाद ये वाला जो फैब्रिक है ना और भी थिक हो जाएगा। नेक वाइज राउंड नेक में है एंड इसमें जो साइज ऑप्शन अवेलेबल है ना वो है स्मॉल साइज। सो लॉन्ग कुर्ती है, ब्लैक कलर में दी हुई है, चाहो तो आप इसे मल्टीपर्पज पे भी यूज कर सकते हो, बोथ साइड पर साइड साइड पर मिल रहा है, ऊपर से फैब्रिक का वर्ड भी है कि आपको ये प्योर कॉटन फैब्रिक में दिखने को मिल रहा है। सो फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है एंड उसके साथ में ये रही ट्राउजर पैंट सेम प्योर कॉटन फैब्रिक में, वेस्ट पर आपको यहाँ पर इलास्टिक दिखने को मिलेगा, लेंथ वाइज आपको ये एज यूजल एंकल लेंथ तक आ रहा है, ऊपर से ये वाला फैब्रिक भी थिक है, वॉश करने के बाद और थिक हो जाएगा, फैब्रिक का पॉलिश है, काफ़ी साइन भी कर रहा है। एंड उसके साथ में ये रही दुपट्टा, बल दुपट्टा जो है ना ये आपको सेल्फ फैब्रिक में दिखने को मिल रहा है बीच कलर के साथ, बोथ साइड पर ना आपको ये वाला फ्रिल्स भी प्रोवाइड की हुई है। सो ओवरऑल गाइस ये वाला आउटफिट परफेक्ट है, पर्पल कलर में ये रही कुर्ता सेट एंड इसे मैंने अमेजन से लिया था, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मे भी ये सारे प्रोडक्ट्स ना आपको मीशो पे दिखने को मिल जाएंगे बट मीशो का जो प्रोडक्ट्स है एंड अमेजन का जो प्रोडक्ट्स है ना क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है, आपको पता होगा। सो ये रही कुर्ती, फैब्रिक वाइज ना ये आपको सिल्क प्लस रियॉन ब्लड में दिखने को मिल रहा है एंड बाय गाइस आप इसका कलर देख लीजिए, पर्पल कलर में है, उसके ऊपर आपको गोल्डन कलर में ना सारे फॉल प्रिंट दिखने को मिल रहा है। एंड इसने मैंने जो साइज़ लिया था ना रिव्यू के लिए वो है स्मॉल साइज, सो ये 33 से लेकर 34 बूज तक परफेक्ट लिया जाएगा, स्लीव वाइज लॉन्ग स्लीव में दी हुई है एंड गोल्डन कलर में फॉल प्रिंट दिखने को मिलेगा, बहुत साइड पर यहाँ पे साइज प्रिंट भी दी हुई है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, वॉश करने के बाद ये वाला फैब्रिक और भी थिक हो जाएगा, ग्लो कर रहा है, स्मूथ है, लाइट वेट है, एथनिक वार के लिए भी परफेक्ट है एंड सुपर्ब है यार, कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। एंड इसके साथ में ना ये रही दुपट्टा, दुपट्टा जो है ना गाइस आपको सेल्फ फैब्रिक में दिखने को मिलेगा, उसके ऊपर सारे आपको यहाँ पे फॉल प्रिंट दिखने को मिल रहा है, परफेक्ट है, एक्चुअली ये वाला कलर बेस्ट है, ऊपर से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ना मैं इसे रीसेलिंग कर रही हूँ। एथनिक वार के लिए तो गाइस एकदम से परफेक्ट है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है तो ये सारे फॉल प्रिंट एकदम से नहीं जा रहा है। देखो एंड इसके साथ में ये रही ट्राउजर पैंट जो कि आपको यहाँ पर वेस्ट पर इलास्टिक दिखने को मिलेगा, इलास्टिक का क्वालिटी अच्छा है एंड आपको यहाँ पर राइट साइड पर एक पॉकेट भी दी हुई है, लेंथ वाइज आपको ये एंकल लेंथ का जाएगा, स्मूथ है, लाइट वेट है एंड बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। एक्चुअली ये रही कुर्ता सेट रेड कलर में, ये स्कर्ट एंड उसके साथ में आपको ये कुर्ती एंड ये दुपट्टा दिखने को मिलेगा, इसे भी मैंने अमेजन से लिया था। एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजन से है, मे भी ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मीशो पे दिखने को मिल जाएंगे बट मीशो का प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है एंड अमेजन का प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है ना काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, सो आपको पता होगा।
ये रही कुर्ती, जैसे कि ये फैब्रिक वाइज ना कहा, इससे आपको रियॉन फैब्रिक में दिखने को मिल रहा है, बस एकदम से सिल्क ब्लेंड भी दिखने को मिलेगा, इसलिए साइन कर रहा है एंड रियॉन में है, इसीलिए आपको ये स्मूथ भी लगेगा। सो टिल कलर में है, उसके ऊपर आपको सारे फॉइल प्रिंट दिखने को मिल रहा है एंड इसमें जो साइज ऑप्शन अवेलेबल है ना वो है मीडियम साइज़। एंड गाइस ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छा है, अच्छी प्रोडक्ट्स है सारी एंड आपको ये सारे येलो कलर में ना थ्रेड वर्क दिखने को मिल रहा है, नॉट फ्रंट, फ्रंट में आपको ये सारे थ्रेड वर्क दिखने को मिल रहा है, स्लिप वाइज आपको ये लॉन्ग स्लिप में दिखने को मिलेगा एंड स्लिप का जो बॉर्डर है ना आपको यहाँ पे कुछ ऑर्डर बॉर्डर दिखने को मिलेगा, सारे फॉइल प्रिंट दी हुई है, सिल्वर कलर में जरी का डिटेलिंग भी दिखने को मिलेगा एकदम से गाइस, ये सारे ऑफ फॉइल प्रिंट नहीं जा रहा है एंड लॉन्ग कुर्ती है, बोथ साइड पे आपको ये वाला सेम प्रिंट दिखने को मिलेगा जो कि फॉइल प्रिंट है एंड नीचे भी ना आपको यहाँ पर एक चौड़ा बॉर्डर दिखने को मिल रहा है जरी के साथ, यहाँ पर डिटेलिंग भी दी हुई है सिल्वर कलर में एकदम से गाइस, आप इसे बेबी करके बाय कर सकते हो क्योंकि ये जो फॉइल प्रिंट है ना नहीं जा रहा है, डेफिनेटली नहीं जाएगा क्योंकि अमेजन से है, अगर मीशो से होता तो डेफिनेटली गाइस ये सारे फॉइल प्रिंट नहीं रहता। सो ये रही कुर्ती एंड इसके साथ में ना ये रही दुपट्टा जो कि आपको ये प्योर कॉटन फैब्रिक में दिखने को मिलेगा। सो रेड कलर में दुपट्टा है, चार वर्ड्स पे आपको ये सिल्वर कलर में डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है एंड प्रिंट भी की हुई है रेड कलर के ऊपर ब्लैक कलर में, लेंथ वाइज परफेक्ट है एंड खूबसूरत सी दुपट्टा है, वॉश करने के बाद इसका फैब्रिक और ठीक हो जाएगा। एंड ये रही स्कर्ट एंड वेस्ट पे आपको यहाँ पर इलास्टिक दिखने को मिल रहा है, एक्चुअली ये जो स्कर्ट है ना ये 32 वेस्ट तक आ जाएगा, सो फ्लोर लिप तक है एंड आपको यहाँ पर भी फ्लेयर दिखने को मिलेगा एंड नीचे ना आपको ये वाला बॉर्डर दी हुई है पर्पल कलर में। ये रही कुर्ती, पिंक कलर में एक दुपट्टा एंड ये रही एक प्लाजो पैंट या आउटफिट को मेरी सेलिंग कर रही हूँ एंड इसे मैंने अमेजन से लिया था, मे भी आपको मीशो पे मिल जाएगा बट इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा जैसे कि अमेजन से है एंड इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप ये कुर्ती देख लीजिए, फैब्रिक वाइज ना काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लाइट टू वेट है, ग्लो भी कर रहा है, नेक का जो डिज़ाइन है ना ये आपको राउंड नेक में आ जाएगा एंड इसमें जो साइज ऑप्शन अवेलेबल है ना वो है मीडियम साइज, मैंने मीडियम साइज लिया था रिव्यू करने के लिए। सो आपको ये सारे गोटापति वर्क हुए थे, आर्टिफिशियल मिरर या थ्रेड वर्क का डिटेलिंग दिखने को मिलेगा बॉर्डर्स पे एंड फ्रंट का जो डिज़ाइन है ना आपको ये कुछ इस तरह के स्क्वायर डिज़ाइन के साथ दिखने को मिल रहा है, सारे थ्रेड वर्क दिखने को मिलेगा एंड आर्टिफिशियल मिरर का वर्क भी दी हुई है, स्लीव वाइज गाइस आपको ये लॉन्ग स्लीव में दिखने को मिलेगा एंड फैब्रिक का क्वालिटी बेस्ट है, आपको भी यहाँ पर एक लाइनिंग दिखने को मिलेगा या एक बॉर्डर दी हुई है, सो परफेक्ट है एंड टोटल कुर्ती में भी आपको बीच बीच में ये वाला डिज़ाइन दिखने को मिल रहा है, सारे थ्रेड वर्क दी हुई है, फैब्रिक का क्वालिटी फर्स्ट क्लास है, काफ़ी ग्लो कर रहा है ऊपर से बोथ साइड पर ना, आपको यहाँ पे साइज भी दिखने को मिलेगा एंड काफ़ी लाइट वेट है। उसके साथ में ना ये रही शरारा पैंट जो कि आपको ये पिंक कलर में दिखने को मिलेगा, वेस्ट पर ना आपको यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है, ये वाला कलर परफेक्ट है, ऊपर से आपको ना ये सारे गोल्डन कलर में थ्रेड वर्क का डिटेलिंग भी दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है एंड फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, काफ़ी ग्लो भी कर रहा है एंड ये रही दुपट्टा, दुपट्टा जो है ना गाइस आपको ये शिफॉन फैब्रिक में दिखने को मिलेगा एंड चारों एंड्स पे ना पर्पल कलर में जरी का ये वाला बॉर्डर दी हुई है, ग्रीन कलर में जॉर्जेट फैब्रिक में मीशो से ये रही एक लॉन्ग ड्रेस या एक लॉन्ग गाउन एंड इसे मेरी सेलिंग कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि ये रही कुर्ती उसके साथ है ना वेस्ट में टाई अप करने के लिए आपको ये बेल्ट दिखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस ये जो बेल्ट है ना ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में दिखने को मिल रहा है, उसके ऊपर ना आपको सारे ग्लास का डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है, सो परफेक्ट है, काफ़ी डिटेलिंग से ये सारे थ्रेड वर्क के साथ आपको ग्लास दिखने को मिलेगा क्योंकि ये सारे ग्लास नहीं चाहिएगा वॉश करने के बाद भी एंड आपको यहाँ पर डोरी दिखने को मिल रहा है, ये तो रही बेल्ट एंड इसके साथ में ना आपको ये गाउन दिखने को मिलेगा जो कि फैब्रिक इसका जॉर्जेट में है एंड इसका डिज़ाइन देख लीजिए, एक का जो डिज़ाइन है ना गाइस ये आपको राउंड नेक में दिखने को मिलेगा एंड इसमें जो साइज ऑप्शन अवेलेबल है ना वो स्मॉल साइज बट ये मीडियम साइज तक आ जाएगा एंड राइट साइड में आपको ये सारे ग्लास का डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है, सारे स्टोन भी दी हुई है एंड स्लीव वाइज यहाँ पर लॉन्ग स्लीव में है, फ्लेयर वाइज का आपको यहाँ पर इनर फ्लेयर दिखने को मिल रहा है, इवन बहुत सारा फ्लेयर प्रोवाइड की हुई है, जॉर्जेट फैब्रिक में है एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे लाइनिंग भी दिखने को मिल रहा है, ये जो दुपट्टा है ना सेम आपको ये जॉर्जेट फैब्रिक में दिखने को मिलेगा ग्रीन कलर के साथ, एक्चुअली मैं काफ़ी जल्दी में हूँ क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट्स हो गया आज का ये वीडियो में, सो और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, मैं आगे एकदम से जाके सारे प्रोडक्ट्स को रीसेलिंग करूँगी। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कितनी अफोर्डेबल प्राइस में ही सारे प्रोडक्ट्स को मैं रीसेलिंग कर रही हूँ, ऊपर से सारे एकदम से न्यू प्रोडक्ट्स थे, बस एक ही बार मैंने ट्राई किया था दैट्स इट, से ऊपर से कुछ मीशो से है एंड कुछ कुर्ता सर से अमेजोन से है, अच्छी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट्स है, अगर आप इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगी, वीडियो अपलोड होने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आगे ऐसे रिव्यू और रीसेलिंग वाला वीडियो आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मीसो से वेस्टर्न वार के ऊपर ऑल वीडियो आ रहा है, जींस के ऊपर आ रहा है, स्पेशली टॉप्स के ऊपर आ रहा है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।